भाई रे, ओ जावनालो सुनियो। अरे गोपी भाई, देखियो जो आदमी बोल से। चल ना भाई, सब गिना सुनया करते। कोई रोवे से दुनिया में, कोई हंसे से। यो संसार बड़ा निराला है, इसमें सब दुखी हैं। यो आदमी इस दूसरे ने कंधे का सारा देख लिया से। चाल बूझ ले के बात से। अरे मारा के कट जाएगा गोपी, दुखिया से बिचारे। चाल दो पल बैठ कर बतला लेंगे इनके लिए भी। चाल तने कठड़ी खुशवाणी से चाल। अरे भाई ये दुखिया से, इसने कठड़ी तो की मतलब, ये तो अपना दुख रोवेंगे। चल भाई चल, सुन ले दुख इनका। हाँ भाई, के कहो थे, बोलो थे हमने। हाँ भाई, एक बात कहूँ था, जे मानो ते। हाँ भाई, मानने की होगी तो मान लेंगे। पता के बात से, मारे लायक के काम से। पहले आते नु बता, इस तरह भाई का के हो रहा से। भाई इसका नाग लड़की थी और इसके शरीर में जहर फैलने के कारण इस तरह चल्या को ना जाता। भाई एक बात बताऊं, कोई भाई बात भरन जाता हो और उसका सामान रास्ते में चुरा ले, तो उस भाई के दिल पर की बीतगी और बिना सामान अपने भाण के जाके वो के मुंह दिखाओगा। भाई मैं कुछ समझा नहीं, बात बात और सामान की चोरी, खोल के बता के बात से। भाई मैं न्यू कूसूं, जे तू खुद बात भरन जाता हो और तेरे भात के सामान ने कोई और चोरी कर ले जा, तो तेरे दिल पर की बीतेगी। भाई बीतते के जाए ना जावे, और बात भरण किस मुँह तो जाओगे, उड़े जाके बांध के दिखाओगे, और उड़े लुगाई तन्ने मारेंगी और उसकी सासू और ननद ते लत्ते पाड़ लेंगी, पता के करेंगे उड़े जाके। भाई ईसा ये हाल मारी गिल्ले हो रहा से। थारी गिल्ले क्यों करो भाई, ईसा हाल बता दे भाई। इतने जिक्र कर दिया तो पूरी बात न बता। भाई जो या गठड़ी ले रहे हो ना, या मारी से ना भाई, तारी को ना झूठ बोलो तू ते। हमने तो या गठड़ी एक बुड्ढे पे कोसी थी, तुम कितना आए थे उड़े, या बात तो नहीं मानू भाई मैं। भाई बात सुने, मेरे भाई के सांप लड़ गया और मन यो देख लिया, मैं तो चला गया बैद ने बुलाऊं और मेरा भाई हो गया बेहोश और इसकी गठड़ी ने कोई और ठा ले गया। इस बात का हमने नहीं बेरा, इसने कौन ले गया और कौन नहीं, परंतु यह गठड़ी मारी से और हम अपनी भाण के बात भरन जावांगे, यह बात सच्ची से, इसमें कोई झूठ नहीं से। भाई कुछ बात सच्ची नहीं, कुछ बता या बात चुप कर मान लो, या गठड़ी थारी से। भाई इस बात का सबूत मैं दूंगा, तुम्हें पता है इस गठड़ी में क्या है और क्या नहीं? ना भाई, हमने नहीं बेरा इसमें की है। जब से हमने एक बात सच्चाई तो बताई दी भाई, या हमने एक बुड्ढे द्वारा खोसी दी, इसमें केस है के नहीं से हमने इसमें कुछ नहीं बेरा। तू जाने से इसमें केस है? हाँ भाई मुझे पता है इसमें क्या है, बताऊं? हाँ भाई बता केस है इसमें। भाई इसमें 8 सूट, 8 चादर, पीपली की वाल और ब्याले का सूट है, और एक मेरी बहन की चुनड़ी है। देख भाई, देख लो इसने खोल के एक बार। हाँ भाई कपड़े तो ये ऐसे हैं, बोल गोपी के करा, या गठड़ी तो इसकी से, वो बुड्ढा तो इनकी चोरी करके ले रहा था और वो तो सहम रोवे था। रोवे था? क्यों रो रहा था भाई? ये सामान तो हमारा है, हो सकता है उसे भी इस सामान की जरूरत हो। कौन था वो बुड्ढा? भाई हमने नहीं बेरा कौन था वो बुड्ढा, ना हम तुम न जानते। धुप्पे नौकर, मन पहला ये कही थी या गाठड़ी खुशवाओगा तू, या गाठड़ी इन्हें दे दे और भाई अपने घर चल। भाई गोपी मैंने भी ये बात सोची से कि या गाठड़ी इनकी से और इन्हें दे दे, चल ये बात बन जा से। या गाठड़ी रख के हम पाप के भागी नहीं बनेंगे और इस समय इंसानियत से भाई। अरे भाई ठगा में कत इंसानियत आ गई। अरे भाई इनकी बात सुनकर रहम सा आ गया, और खासकर बात का जिक्र सुनकर, वाह बाण के रोवेगी हमने जो यो सामान हम इन ना देवत है। भाई ये मारे दौरे कोई चारा नहीं से भाई रे, या ले अपनी गठड़ी, मारे तक गलती होगी और यो सामान थारा से और तुमने इसकी ज्यादा जरूरत से, बात में ये सारी चीज चाहिए से। और भाई गोपी बात सुन, आज तक पाछा हम ठगी और चोरी नहीं करेंगे। नू नहीं बेरा कौन आदमी कितना दुखिया हो से, हमने बस ठगी का मतलब से, हम किसी की मजबूरी नहीं देखते
और ना ही कोई बात सुनते। हाँ भाई, यो काम मन्ने भी पसंद नहीं से, और मैं ते तेरे ते कई बार कहा करता, तुमने कदे नहीं मानी। भाई इनकी बात सुनकर मना गणाए रहम आया और मेरे ते रहा नहीं गया। जब इस भाई ने यह बात कही कि जय यो हाल थरी गल्या बीते तो थरी गल्या के बने, भाई जब मारी गल्या इसी हो जाया मारी तो आत्मा कति रोवेगी, हम भी अगले ने कितना कोसेंगे जब हम किसी लाचार आदमी ने ठग गए सहते उसकी आत्मा भी हमने कोसती होगी। भाई यह बात आज क्यों कर याद आई, जब मैं कहा करता जब के बात होया करती भाई, जब ते कदे ना तने सोची। भाई कोई बात ना, बुराई जब भी छूट जाए जब भी अच्छा, अगर जे धूपे की यह बात आज समझ में आ गई तो इब्बी अच्छा है से, इस बुराई ने तो तुम कदे भी छोड़ दो, जब भी छोड़ दोगे जब अच्छा से। अच्छा भाई हम चलना सा, थारा भला हो। चलो भाई चलो, दिन छिपने में अब देर नहीं रही और अब ज़्यादा देर करनी भी ठीक नहीं है। हाँ भाई हाँ ठीक कहे से, सुल्तान इब ते भात ने वार होने लाग रही से, और भाई मरवण ते कति रो रो के मर ली होगी और उसकी सांस रणन ते देखे हमने गाली बकन लाग रही होंगी। चाल भाई चाल, इब और ढील करने का टेम नहीं से, एक हाथ तू मेरे कंधे पर धर ले और चल, इब चलेंगे देखे इब जच्ची से दोनों भाई बात ही। चलो भाई ब्रह्म, तुमने तो मेरे मन की बात जान ली, तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं हो, तुमने अपने करुणा भरे शब्दों से उन ठगों को दिल जीत लिया और वे भी मान गए कि आज के बाद न तो किसी को ठगेंगे और न ही किसी को सताएंगे। भाई आज उनकी सोई हुई आत्मा जागी और वो मान गए कि अगर यही हाल हमारे साथ हो तो उनकी आत्मा पर के बीतेगी, बस यह बात उनके मन में घर करगी। भाई ये जो गांव दिखाई दे रहा है वही नरवरगढ़ है, आओ और थोड़ा चलना पड़ेगा। भाई सुल्तान अब और नहीं चला जाता, मेरा शरीर बिल्कुल टूट गया, अब और हिम्मत नहीं रही, बस आप ही बताओ, एक कदम नहीं चला जा रहा मैं क्या करूं? मेरे भाई ऐसा मत कहो, अब तो गांव भी ज़्यादा दूर नहीं रहा, तुम हिम्मत मत हारो, थोड़ा सा साहस और करो, हम मंजिल के पास पहुंच चुके हैं। चलो भाई चलो, देखो मरवन इंतजार कर रही होगी, अभी आप कह रहे थे कि हमारी बहन के साथ क्या बीत रही होगी और कुछ ही देर में आप कहने लगे अब और नहीं चला जा रहा, क्या बात है भाई? भाई बेरा है ना, के होया मेरा तो ईसा हो रहा से, मानो जो शरीर पर कई मन बोझ धर दिया हो, मैं एक कदम और नहीं चल सकता, बहुत घनी थकान महसूस हो रही से, बस भाई अब और नहीं चला जा रहा मेरे ते। क्या कहा भैया, अब तुम बिल्कुल मन से हार गए, देखो वही बात मत करो जिस तरह श्रवण कुमार अपने माता पिता को कंधे पर लेकर सारे तीर्थों पर गया और झारवीर में अपनी यात्रा किराया मांग कर सारे पुण्य को खो गया, अब तो गांव भी नजदीक आ गया है, आप ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे भाई? चलो मेरे भाई चलो। भाई इसी बात को ना, बस शरीर टूटा जा से, देख गांव अभी तो बहुत दूर दिखाई दे रहा से, क्यों ना थोड़ा आराम कर लें फिर चल पड़ेंगे। देखो भाई कुछ ही पलों में दिन छिप जाएगा और दिन छिपने से पहले हमें मरुण के घर पहुंचना है, चलो मैं भी कुछ अपने शरीर का सहारा लेता हूँ और कुछ सहारा तुम पर देता हूँ। चलो भाई बहन के प्यार का सवाल है, वह तुम्हारी भी तो बहन है, साहस मत छोड़ो मेरे भाई, बस आज की तुम्हारी हिम्मत मिसाल बन जाएगी सब बहनों के लिए और भाई का विश्वास बना रहेगा, देखो हिम्मत मत हारो मेरे ब्रह्म भाई, चलते चलो मंजिल दूर नहीं है। ओहो भाई चल तो रहा हूँ परंतु चला नहीं जा रहा, हिम्मत कर रहा हूँ परंतु शरीर टूट रहा है। बस भाई अब तो पहुँच ही गए हैं, कुछ ही पलों की बात है, बस एक बार गांव में पहुँच जाएं। भाई चल तो रहूँगा, चाहे मेरे प्राण चले जाओ परंतु मैं हरगिज आज भाई बहन के प्यार को बरकरार रखूँगा, दुनिया में बहन भाई के प्यार की मिसाल बनाए रखूँगा। आह भाई बिल्कुल शरीर टूटा जा से। चल मेरे ब्रह्मवीर चलता रहे, हिम्मत मत हार, हे भगवान हिम्मत दे मेरे भाई को,
जो आज दोनों भाई अपनी बहन के द्वार पर पहुंच सकें। ए बहू उठ ले, क्यों मारे रंग में भंगे रीस है, उठ सारा काम पड़ा है ब्याह का और सब तेरे मुंह का नहीं देखने लायक रीस है। माँ या तो नुए करया करे ना, तो इसका भाई आवे और ना याड़े तो उठे, इसने तो मारे घर में कड़वे का वास कर दिया, या नहीं समझा करती, इसने कितनी कह लो या तो अपनी जिद पड़ रही से। भगवान आज कैसा दिन आया, आज के दिन तो भाई ने अपनी बहन के घर खुशी खुशी से जाना होता है और मैं काका होकर अपनी बेटी के घर जा रहा हूं और वो भी खाली हाथ।
कैसी विडम्बना है तेरी, तू तो सबका दुख जानता है, आज मेरे दुख का भी निवारण कर दे प्रभु। मैं कैसे जाकर अपनी शक्ल दिखाऊं, उस गांव में मैं कैसे जाऊं, अगर वह लोगाई मेरे साथ एक बेटे ने भेज देती तो उसका क्या घट जाता, आज मेरा भी सिर गरवता उठता और मेरे खानदान की साख भी रह जाती, पर वह तजिद की पक्की है। हैं? यू की पड़िया भाई, ओहो या तो मने ठेली ही नजर आवे है, ठाके देखूं, हैं? या कि साची ये थैली है और इसमें खोल के देखूं क्या है। इतने चांदी के रुपये, वाह भगवान वाह, मन अपनी जिंदगी में इतने चांदी के रुपये कदे नहीं देखे, और आज इस संकट की घड़ी में जब मेरे द्वारा 10 रुपये भी नहीं थे, 10 रुपये मिल जाते वह बहुत थे, इब तो पूरा नरबरगढ़ की मान करूंगा। प्रभु तुम भी अजब हो, कभी रुला देते हो कभी हंसा देते हो। देखो थोड़ी देर पहले मैं कितना परेशान था और अब, हाँ प्रभु अब एक पल में ही कितना खुश हो गया, तेरी अजब निराली शान है मेरे प्रभु। भाई ब्रह्म अब तो गांव के बाहर खड़े हैं, थोड़ी सी हिम्मत और कर लो। आह बस भाई अब और हिम्मत को ना रही, मैं बिल्कुल लाचार हो लिया भाई, मेरे तो नहीं चला जाता। भाई मेरी हालात देखो, मैं फिर भी आपके साथ चल रहा हूँ, कोई बात नहीं, चलो हिम्मत करो, थकान को भूल जाओ। नहीं सुल्तान नहीं मेरे भाई, मेरे पैर बिल्कुल जवाब दे चुके हैं। ठीक है भाई, तुम ऐसा करो मुझे इस घर में लिटा दो, और देखो दिन छिपने वाला है, तुम यूं करो जल्दी से मरवण के घर चले जाओ, वहाँ मरवण विलाप कर रही होगी, जल्दी से जाकर मरवण को चुंदड़ी उड़ा देना और उसके गले में ये माला डाल देना, और फिर आकर मुझे ले जाना, बस इतना काम और कर दो भैया। ठीक है भाई, आप यहाँ थोड़ी देर आराम कर लो, मैं अभी जाकर मरवण के घर ये फर्ज पूरा कर देता हूँ। जा मेरे भाई जल्दी कर। भाई अगर मरवण ने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया तो मैं क्या करूँगा। ने कोई भी जाने ना, हाथ पकड़ के तन ले चालू हाथ, अशोक भगत भी भाती बन के बाण कमान करया चावे, जगन्नाथ की सेवा करके हृदय ज्ञान करया चावे, गुणे का तन नाम कराया, गुणे का तन नाम करायो, करके काम बढ़ाई का, खड़ी लखावे मरवण भाई, दर्द मने मा जाई का, चुकर भर तू बात में जाक कदे मान कर ना भाई का। तो भाई मरवण को बता देना कि तेरा भाई गांव में आ गया है और वह बीमार है, कुछ ही देर में तेरे घर आ जाएगा। ठीक है भाई, मैं ऐसा ही करता हूँ और अभी जाकर मरवण के घर पहुंच जाता हूँ। ठीक कहती कि मेरा भाई जरूर आओगा, देखे यो आ गया, हमने तो 100 रुपये कदे देखे भी कोन्या, और इसके हाथों में तो 100-100 के नोटा की माला से। बेबे वा तो सही कहती, अब एक बार मेरा भाई ना आन दे मैं सब का मुँह बंद करवा दूंगी। बेबे आ गया ये तय बाती उनके,
ये चालो सुबह का बुलावा आ रहा है, चालो भाती ले आवांगी। आई सच्चे आ गया भाती। बीबी किसा से सुल्तान सच्ची बीबी, यो ते आ गया भाती बनके, ई उठेगी मरवण बिचारी। बिचारी तेड़ के की गोडे तोड़ रही थी, ई बेरा पाटेगा मरवण की सांस ने और मरवण की नणन ने, जो बिचारी के ताने मार मार के कया करती के कित से तेरा भाई, कित से तेरा भाई। आ गया भाई, बड़ी बात दिखा का आया रे। मरवण बिचारी रो रो के मरली तड़के की। बेबे हे। हाँ भाई। ई मैं सब की मनचाही कर दूंगा, और जो मेरी भाणन ने दुखी करे से ना, आज उन सब का मुंह बंद कर दूंगा। आज मैं सारे नरवरगढ़ की लुगाइया ने बता के जाऊंगा कि मरवण बिन भाइया की भाणन नहीं से, और इसके एक शेर जिसा भाई से जो सोया बरगा एक का बतेरा। आज इसकी सांस नणन ने भी देख लूंगा, वो कितने की बोली ताने दे जाने से मेरी भाण ने। पटड़ा बिछाइयो है, सुन लो है बहन मेरी।
जब चढ़ूं पाटड़े में, यो ही गीत सुनाइयो है, थारी लाया में चुंदड़ी है, तुम्हें पटड़ा बिछाइयो है, सुन लो है बहना लागी थी रही इतनी बार, मारा तो रो रो के हाथ काल जा खड़ा हो गया था। जब मरवन की हालत देखा थी तो ऐसा जी कर रहा था कि तने ही भाज के बुला लिया। इतना रोना आवा था न्यू सोचा थी कि राम ने माँ जाया भाई तना दिया, पर धर्म भाई बिचारी ने एक बनाया, पर वो भी टाइम पर ना आया। भाई तावड़ा सा चाल उसकी सासू ते तड़के की पटड़ा बिछारी से, और बात के गीत गा गा के मरवन की देई ने फुकन लागरी से भाई, और वह बिचारी रो रो मर ली। अच्छा ये भाने, आज उसकी सासुए ने देखूंगा कि कितनी साहूकारणी से वह। अरे भाई, मरवन ते तेरी बड़ाई करती करती हार लिया करती, पर आज तने इतनी वार कित लगा दी भाई। अर भाई, यह इतनी बढ़िया चुंगड़ी कित लाया रे मेरे बीरा। हे बेबे, नरवरगढ़ में तुम जितनी भी मेरी भाण लागू सो ना, इसी चुंदड़ी ते मैं सब के ताई लाया सूं, और डरो मत ना, मने एक बे अपनी भाण मरवण ते मिलान दो। अरे भाई, मेरा तो ऐसा जी करे से जुन मरवण ते पहला मैं ओढ़ लूं, इसी जाल की चुंदड़ी ते मने पहली बार देखी से। भाई मने बता दे या कितने लाया से, मैं अपने भाई जगदीश ते नुए कहूंगी कि मेरे भाती आवे ना, जब मेरे ताई इसी चुंदड़ी लाओ है जिसी मरवण का धर्म भाई सुल्तान लाया था। अरे सरजू बिरजू, तुम उस छोरी के बात में नहीं गए रहे? बात में तो किसके बात में जाना था, हमने तू के कर ऐसे कुछ बात समझ में कोने आई ताऊ धर्मा। अरे तुमने चाड़ा कर दिया, अपने खानदान का सिर नीचे ने कर दिया। ताऊ, हमने क्यों कर सिर नीचे ने कर दिया? ताऊ, हमने कि मैं बट्टे का काम करा से जिस तरह सिर नीचा हो गया,
अरे बट्टे ते बुरा काम कर दिया, तुम अपने ताऊ के अकने भी खा गए, और एक छोरी थी थरे ताऊ के नाम की थरी बाण मरवण, तुम आज उसके पाटे डंडोगे भी कोना हुए। अरे डूब के मर जाओ सत्यानाशियो, के थुका है काम तुमने, जा तुम बाद में चले जाते तो क्या होता। ताऊ तू के कह रहा से, मरुण मारी बाण से हमने तो कदे देखी भी कोने, और ना मारी बाण बात नोतन आई, जब हमने बेरा होता आकाश मारी बाण के बात से तो हम जाए बिना कति नहीं रहते, चाहे मारा सिर उतर जाए। अरे तुम के कहो सो, बात नोतन कोने आई, उसका के काम छोड़ रखा से इस गांव में बढ़न का, उस गैल ने तो इसी बुरी कर रखी से। ताऊ किसने के बुरी कर रखी से मारी बाण गैल, बता हमने मारा के जीना से ही गांव में, जब अपनी बाण के बात भी ना बर सकते, हम तो वह खाम खा धरती में बोझ हो गए फिर तो। अरे भाई थारा नाश तो थारी माँ करी से, थारी माँ ने से जुलम करे से, उस छोरी गेला चारी बिना माँ बापा की थी, उस गेला इसा अत्याचार करे से थारी माँ ने, इसा तो बैरी का बैरी भी ना करे। अरे थारे बाप ने तेरे बतेरी कही, पर थारी माँ ने उस दोनों की जात की गेला इसे जुलम करे कि गाड़ा के माँ भी बाल पकड़ पकड़ के लात घुसे मारे से। अरे उस बालक ने देख देख कर मारा भी, हाथ काटता खड़े हो जा था, पर पापन के दया को न्याई। सुने से सरजू, बाजले ना तो इज्जत का जोड़ा हो जाएगा इबी टाइम से, चाहे खाली हाथा जाना पड़ो, माँ ते बूझ के मरण के पटड़े देंगे, ना ते गांव में बोलन जोगे नहीं रहेंगे। अरे बचा लो अपनी इज्जत जब बचाई जाता है, ना तो बावड़े हो कि तब बोलन जोगे भी नहीं रहोगे, और थरे बाप की तो पार बसाती को न्या, पर थरी माँ से बगन की जड़ असली। ताऊ इब हम अपनी माँ की को न्या मानना, हमने भी अपनी इज्जत प्यारी से, हम भी दो भाइया में बैठना चाहवा सा। आरी माँ तने न्यू ना बताई आज हमारे बात से, हमने बात वरण जाना से। किसने बताई से थारे ते अग बात में जाना से, किसका बात में जाओगे, थारा सह को बाण है। सह क्यों ना, मरवण कौन से, वहां मारी बाण कोने के लागे सवा मारी, मारे ताऊ की छोरी मारी के लागी, बाण ने लागी तो के लागी। रे जब थारी बाण होती ना तो थारा घर बात नहीं उतना आवे, और जब बात नहीं उतना आवे तो काम वाले बेरा लग गए, और जब तुम बात में जाओ। अरे रान दे, हम सब जाना सा तू सापा की मौसी से, तने छोड़ रखा सा रहा उस छोरी का इस गांव में पड़ने का, तू बल्ली कौन है, तन्ने ते मरी नाक कटवा दी आज, बताई हम के करा, सारा गांव मारे बोली मारे से के जवाब दे, हम आज उन गांव वाला ने, तू ते घरा रही रहे है, तने कौन जाने से, कौन कहते के मैं मर्दा में तो हमने रहना पड़े से ने, हम के जवाब दे उनने बता। रे मन ने किससे तो कुछ नहीं कही से, मैं तो ऊँ बांस का बांध रखी सु सारे गांव ने, इव तम भी कहने लग गए, थारा के मैं मुंह पकड़ लू, न्यू थारा बाप सारी अनबल रहा जाया करता। आरी माँ तू के जब उसने गोड़े से वो तने कति सोका के लाकड़ बना दिया, तू हमने कितने जोगा ना छोड़े, तने हम किससे दीन के ना रखे, इव तू तो बता दे वह छोरी कौन से गांव में ब्याह रखी से, नाश तो तने कति कर दिया, तू तो असली मौसी बन गई, उस छोरी के हक ने भी खागी, उसके भात भी कोन्या भरया। अरे भाई इब इस गल के बहस करे से, चलन की सोच ले, जब पहुंच जाते ना तो भाई गांव में डूंडी पिट जाएगी, अक चांद राम के अपने ताऊ की छोरी के बात बन जोगे भी ना होए, और उसके हक ने भी खा के बैठ गए। अरे माँ बताओ सक, हम और किसे तबू जगाम में जाके। भाई तुम तब बात में जाके नर मेरी इनी करवाना चाहो सो, और उस छोरी की जिद चली है ना फिर, या तो नहीं तो उस छोरी की जिद चली ने, तुम जब बात में गए ना तब मैं तो चाहे ताग ला के मरूंगी, और चाहे फांसी खा लूंगी, मैं नहीं पाऊंगी तुमने। अरे माँ तावड़ा करे इस काम ने, घर का क्लेश भी मिट जा, सारी अणा और रानी गेंड रेस है, घर में कोई दिन तो सुखा सांस आ जाएगा। रे नरवट में फूक रखी सवा, और तुम न जाना सजाओ मेरी के तुम मानो सो। भाई बाजले डील ना करे, चाहे हमने रात न पहुंचना पड़ो, पर गांव में डल्ला लेके उल्टा आवांगे, जिस तक गांव वाला के न्यू हो जाए छोरे बात भर का आए से। हाँ बिरजू इब ढील करने का टाइम नहीं से, रेपिट ले तावड़ा सा। सुल्तान भाई कित से तू, मैं कद की तेरी बाट देखने लाग रही हूँ, कित रह गया मेरे भाई, देखिए देखिए तेरी बाण कद की रो रो बावली ओली। हे मरवण होश कर बेबे, न्यू बावली ना हो।
देख सारी लुगाई तेरे मुंह के ना देखन लाग रही से। हिम्मत कर भाण, भगवान पे भरोसा राख, तेरा धर्म का भाई जरूर आवेगा। नुकोट भरता ही बेहोश रहोगी बावली। बेबे देख सारा काम पड़ा और तड़केगा तने एक घूट भी पानी नहीं पी लिया। बावली मर जाएगी नू ते, होश कर बेबे, कोई मजबूरी होगी जब बते तेरा भाई ना लिया है। और भरोसा कर भगवान पे, वो जरूर आओगा। अरे के वार हुई से बावली, ए वो तो आता ही होगा। मेरा भाई सुल्तान कोने आया, उसके ते न्याग लड़की। सुल्तान भाई तू कित से, मैं कद की बुलाऊं सू, आ जाने भाई सुल्तान, सुल्तान भाई रे, रे मेरे सुल्तान भाई, आ जा। हे भाण, तुन्नू ना करे, हे भगवान, ऐसा क्यों हो गया, क्यों ना आया इसका भाई सुल्तान, इसकी सालत पर रहम कर भगवान, ना तैयार रो रो के मर जाएगी। और फिर कोई भाण अपने भाई पे विश्वास नहीं करेगी कि वो टाइम पे भात भरण भी आ जाएगा कि नहीं। हे भगवान, आज मेरी लाज रखना, कभी मरवन ब्रह्म को पहचानने से मना कर दे और उससे माला भी ना डलवाए। मेरी और ब्रह्म की करी कराई मेहनत पर पानी फिर जाएगा, ऐसा मत करना भगवान। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, झोली करके दया की भीख मांगता हूँ। हे भगवान, मरवन को हौसला देना, वो ब्रह्म को भाई समझकर उससे माला डलवा ले। कोई भी आज के बाद मरवन को बिना भाइयों की बहन ना कहे, बस मेरी यही तमन्ना है। हे मेरी बहन मरवन, आज मेरी आत्मा की पुकार ने जो भगवान से कहा है, उसे मेरी मजबूरी समझकर तुम ब्रह्म से माला डलवा लेना। मैं तेरी बड़ाई सारी उम्र करूँगा, तेरी इज्जत करूँगा कि आज तूने अपने भाई सुल्तान की इज्जत को ठुकराया नहीं। मैं नरोगढ़ में आकर तेरा मान रखूँगा, मेरी माँ की जाई जैसी लाडली बहन मैं तेरा मान रखूँगा। ले भाई, मरवणगढ़ तो आ गया, पर मन घर का भी ना पेरा, कित जा कित ना जा। ओ, कौन से आपा बतलाता चाल रहा से? बरे मन्ने मरवण का जाना से, और मन्ने घर बेरा कोनी। हाँ। बताओ ने तने बेरा हो तो के लागे से तू मरवण का? हमने तो तू पे लादमी मिला से जो मरवण का घर बुझ जैसे। कितना से तू मन्ने पहले न्यू बता। अबर मैं तो सुवेगढ़ आया सू और मरवण का काका लागू सू। फिर तो तू मारा समधी लग गया। समधी तना आज क्यों कर रहा पा गया है? आज तो पहला तू कदे ना आया, आज भी तेरा ना आना बने था, कोई तेरा छोरा नहीं था। तू कतिए डूब गया और बड़ा होकर तने लियाज को ना आई के सुयगढ़ में कोई भी ना था जो अपने गांव की लियाज बचा ले। आज सारे सुयगढ़ की नाक कटगी, जा इसी दिगाल में उससे गए मकान से। ठीक से चौधरी, अच्छे अच्छे मानस है आज की दुनिया में। Thank you.
सब कर दू तेरे वाणे ठाणे तन्ने मिलेना भाणी उलाणे हो सब कर अशोक भगति तेरे द्वार खड़ा है आज तेरा मरवणी भाग लड़ा है हो अशोक भगति तेरे द्वार खड़ा है आज तेरा मरवण उठ बावली सुल्तान पाटड़े पे खड़ा से अतने बुलाओ से खड़ी हो रो मत ना बेबे आ गया मेरा भाई हाँ कित से मने एक बे दिखा दो मेरे भाई की शक्ल कित से मेरा सुल्तान भाई चाल बेबे ईब दिखाऊंगी तने भाई सुल्तान हे कमला क्यों झूठ बोला से मने सारा दिन हो गया रोन तीने वो ईब ते ही को ना आया तईब की आवे था वो तो भूल गया बाणक भाई का फर्ज क्यों से और भाई की बात क्यों से बेबे भूल गया वो तो हे चाल एक बार देख तो उठ के तू मेरी भी सच्ची बात ना मानती मैं को सु बेबे राम की सु एक बार चाल कते देख ले सच्चे आ गया मेरे भाई हाँ ले ये पराठा के लास मैं भी भाई भाई मन के देख चाल बेबे वो तो भाण भाण के हार लिया तावड़ी से एक बार तू टिक्का कर दे चाल के
ए बाण मरवण ए कित छे तू ए जब ताई भाती नामन लेती जब ताई त मैं तेरे घर में भी नहीं बढ़ सकता ना तो अपनी बाण ने मैं ईब गढ़ का ला लेता और सारे मन की बूझ लेता तू बेबे एक बार बाहर त आ पाटड़े पे कि कित से बीरा सुल्तान तू तू कित है भाई आ हूं मैं ई भाई भाई